शिमारू फिल्मी गाने के सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ग्रामोफोन एलपी रिकॉर्ड्स मैटिनी शो बालकनी, ये है हिंदी सिनेमा के सुनहरे दिनों की कहानी। तो चलिए याद करते हैं उन सितारों को और उनसे जुड़ी कुछ बातों को, बातें कही अनकही। यश जी के साथ एक दो लफ्ज मैं कहना चाहूंगा। पहली पिक्चर मेरी जो जुबली हुई है तो यश जी के साथ हुई कभी कभी। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी? फुटपाथ, शगुन, शोला और शबनम, रजिया सुल्तान या बाजार? ये सब की सब मेरे मन पसंद दिल पसंद तस्वीरें हैं, पिक्चरें हैं, जिनका म्यूजिक देकर भी बहुत मजा आया और कामयाबी भी मेरी। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, और उसमें एक शेर दूसरा शेर बड़ा अच्छा साहिब साहब ने लिखा जी, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। क्या बात। हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से, ये है बातें कहीं अनकही। मैं आपके साथ में हूँ आरजे अनमोल, और हम सब के सब साथ में है खयाम साहब के। एंड ऑफ कोर्स फॉर द ऑल दोस्त जो पिछले एपिसोड में देख के उन्होंने कहा यार क्या बात है खयाम साहब का जोश, उनकी जो ही इज 91 रनिंग, क्या बात है, जोरदार तालियां खयाम साहब आपके लिए, जोरदार तालियां। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने जो जर्नी पिछले एपिसोड में शुरू की थी, हम कभी कभी फिल्म पे जाके रुक गए थे क्योंकि वहां से खयाम साहब आपकी जर्नी ने एक बार फिर से एक टेक ऑफ किया, एक अलग जगह पे वो जर्नी पहुंची जी। कभी कभी यानी कि खयाम, साहिर, यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, मुकेश, इन सबका एक साथ मिल जाना और एक ऐसा लैंडमार्क म्यूजिक दे जाना जो आज भी अगर हम रोमांस करते हैं तो कहते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। देखिए वो फिल्म कभी कभी का ऐसा म्यूजिक, उसमें दो जनरेशन का म्यूजिक। सही बात। इसका म्यूजिक देना मुश्किल था। अच्छा। यकीन, एक तरफ तो पोएट्रिक शायराना और एक तरफ एकदम खिलदड़े। एक बात याद आ गई यश जी की मुझे, कहते खयाम साहब आपने जो कभी कभी का म्यूजिक दिया जाए मैं तो खुश हूँ, वो सब के सब इतने खुश हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया उन्होंने कि अब सबका कहना है वो चिंतू जी के गाने, वो खिलंदड़े, वो खयाम साहब बना सकेंगे। देखिए डाउट पैदा कर दिया यश जी के जहन में दूसरे साहबान ने। ओके ओके। देखिए आज पहली दफा ये लव यू कर डाउट पैदा कर दिया कि खयाम साहब इज ही केपेबल ऑफ डूइंग दिस म्यूजिक ऑल्सो। क्या बात है। मैं चुमका, मैं लिटिल बोल्ड तरीके से मैंने कहा याची, मैंने कहा याची आपके साथ आपके पास खयाम है, मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, आई नो माई जॉब, आई कैन टैकल एनी सब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ सॉन्ग। मैं इतनी इंग्लिश बोलता नहीं, मैंने याची के सामने गुस्ताखी क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ही आ गया। तो यश जी बहुत खुश हुआ और द वे चिंतू जी के गाने, नीतू जी के गाने, आप देखते तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या चाहते। बट खयाम साहब मुझे एक बात बताइए कि उस दौर में, उस जमाने में जब अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक के लिए आवाज होती थी किशोर कुमार, आपने उस दौर में अमिताभ बच्चन के लिए आवाज यूज की मुकेश जी की, और सिर्फ यूज नहीं की, उस आवाज में आपने सुपर डुपर हिट लैंडमार्क गाना दिया। ये चॉइस की इस किरदार अमित मल्होत्रा के लिए मुकेश जी की आवाज रहेगी, ये कैसे? देखिए एक तो यू के फिर से एस्टेब्लिश हो गया था कि मुकेश जी मेरे नगमात बहुत अच्छे गा रहे हैं।
और मेरे साथ बहुत अच्छा गाना, तो वो एंड ऑफ कोर्स यश, तो अमिताभ बच्चन साहब के मुकेश जी ने गाने। एक और गाना मेरे जहन में आ रहा है जी, अमिताभ बच्चन शशि कपूर आमने सामने त्रिशूल फिल्म में गा रहे हैं, वहां पे आपने बच्चन साहब के लिए यशुदास जी की आवाज को यूज किया। हाँ, वो एक अमिताभ बच्चन साहब के अंदर बगावत अगेंस्ट हिज फादर थे या नहीं थे, लेकिन फादर थे राइट, उन्होंने उनकी मदर को धोखा दिया जी और बड़े घर में शादी कर ली जी, त्रिशूल ये है। उसके लिए यशुदास जी की आवाज बहुत फिट थी, मोहब्बत बड़े काम की चीज, मोहब्बत बड़े है। उसमें अपने शशि कपूर साहब का प्लेबैक किशोर दादा ने दिया जी, जी, और उसका यशुदास जी, और यशुदास जी आउट एंड आउट मेरी चॉइस थी। अच्छा यशुदास जी, यस। अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है मुझे, रजिया सुल्तान फिल्म के अंदर धर्मेंद्र जी का जो कैरेक्टर था जी, उसके लिए भी आपने एक बिल्कुल अलग आवाज में यूज की जी, जिनका नाम था गब्बर मिर्जा। जी बिल्कुल, देखिए उसका क्रेडिट पूरा कमाल अमरोही साहब अच्छा को जाता है एंड जगजीत कौर जी को जाता है। कमाल साहब जब कहानी सुनाते किरदार सुनाते तो मुझे कहते, देखिए खयाम साहब ये मेरा जो हीरो है वो ही इज अ वॉरियर, वो गाना गाता है लेकिन वो गाना सीखा हुआ नहीं है। अब देखिए अजीब फरमाइश एक तरह की, तो हमने उनसे उनकी इजाजत से इंडिया से पूरे जो टॉप मोस्ट जो गाने वाले थे उनको यहाँ बुलाया, उनका टेस्ट लिया गया, वॉइस टेस्ट लिया गया। अच्छा, कि उस वो आवाज़ किस तरह मिल जाए हमें। ओह, और उसमें बहुत बड़े सिंगर पंकज उदास साहब भी थे टेस्ट में। क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये तो आवाज के लिए 50 सिंगर है, इसमें एक पंकज उदास जी वो भी थे और भी सब के टेप सुने गए अच्छी तरह। वो कमाल साहब तो बड़े शाइस्ता इंसान, तहसीब कहते खयाम साहब हर सिंगर इतना अच्छा गा रहा है जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये किरदार के साथ नहीं जाएगा, ये तो सिंगर है अब बेहतरीन सिंगर हैं ये सब के सब। तो ये बात सुनने वाली तो कहले मेरे को तो वो चाहिए वॉरियर, वो तो मस्ती में बस गाता है कि सांस बजाता है और गाता है। अच्छा, फिर उस सिलसिले में कब्बन मिर्जा साहब का जिक्र आया कि मुहर्रम माह मुहर्रम में और मुहर्रम के दिनों में सोच पड़ते हैं वो नोहा लखनऊ में भी यहाँ पे भी, तो हमने भी मजलिसों में उनकी आवाज़ सुनी, किसी ने उनका नाम लिया कि साहब वो कब्बन मिर्जा साहब, अरे आज मैंने कहा बिल्कुल, तो कब्बन मिर्जा साहब को बुलाया, कुछ उनसे सुना, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कहाँ सीखा, कहीं मैंने कहीं नहीं सीखा, ये तो माँ से सीखा, ये सोच जो नोहा है बरसिया है वो माँ पढ़ती थी वो सीख लिया, और मैंने कहा ताल ये वगैरह, कहते जी मैंने पूछी तो मैंने रिजेक्ट किया। यानी कि सबसे पहले जब आपने इस आवाज को सुना तो आपने उनकी आवाज को रिजेक्ट किया था पहले? नहीं, सबसे पहले नहीं, आवाज तो ठीक लगी। हाँ। जब ये पता लगा कि उन्होंने सीखा ही नहीं कुछ तो गाएंगे क्या, फिर उनकी आवाज वापस फिल्म में कैसे आई, तो वो किस्सा सुनने वाला है। ठीक है जी, तो रिजेक्ट हो गई वो सब, शाम हो गई और सब अपना अपना मुंह बनाए हुए, कमाल साहब भी चुप चुप और जगजीत जी भी चुप चुप और मैं भी चुप चुप। ठीक है कि भाई कमाल साहब को ना खुश किया मैंने और जगजीत जी को ना खुश किया, लेकिन लेकिन हकीकत तो सच्चाई तो कहनी चाहिए ना। सही बात है। सुबह सुबह कमाल साहब का कोई 8:30 बजे टेलीफोन आया, कमाल साहब का सुना मैंने, अरे खयाम साहब आप नाश्ता मेरे साथ तो कहे बैठे और नाश्ता किया, और नाश्ता चुप 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 सब ने अच्छा। वो एक होता ना नॉर्मल था, वो ऐसा अबनॉर्मल हो गया हम सब। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्योंकि वो वॉइस रिजेक्ट करती, तो कमाल साहब फरमाने लगे
खयाम साहब, मैं रात भर सोया नहीं। और जगजीत जी साथ में कह लगी कि कमाल साहब, मैं भी रात भर सोई नहीं। कह रहे खयाम साहब, आवाज़ तो वही है कपिन मिर्जा की, वही जो याकूत की होनी चाहिए आवाज़, वही है। ठीक है, और गाना तो हमने इसी से लेना। तो मैंने कहा देखिए कमाल साहब, कुछ इसको शिक्षा देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा, एक गुरु देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो सिखाता, मुझे सिखाना आता ही नहीं, लेकिन इनके लिए एक उस्ताद मैं करता हूँ, इनको थोड़ा स्वर और ताल का ज्ञान देते। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने उनको शिफ्ट करवाया। माय गॉड, अभी खयाम साहब हम जो बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स की बातें कर रहे हैं, जी जी। कैसे आपने आवाजों को एक्सपेरिमेंट किया उन अलग अलग सिंगर्स के साथ में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को म्यूजिक की उतनी समझ नहीं है, लेकिन उमराव जान में आशा जी जो सुनाई पड़ती हैं, जो उनकी आवाज जो है वो एकदम अलग है, और बाकी पूरी उनकी जिंदगी में जो उन्होंने गाया वो एक तरफ है, क्या सही है ये सही? देखिए सबसे पहले आशा जी को जो चुना गया उनकी आवाज अमराव जान के लिए, तो ये सजेशन इनकी थी। सब और सबने मानी कि आशा जी इसके गाने गाएंगी। उसका रीजन था, उनको उन्होंने कहा कि देखिए आशा जी की आवाज और रेखा जी की आवाज को मैच करने में आसानी होगी, क्योंकि आशा जी की आवाज में थोड़ा बेस भी है टेक्निकल। ओके ओके, एंड वो जो हिस्ट्री ने हमें बताया जी, एक तो कहानी है अमराव जाना दा नॉवल, राइट, नॉवल जी, बहने और जिक्की जी ने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, ये इसलिए के सामने पाकीज़ा खड़ी हुई है। क्या बात है, कमाल अमरोही साहब, मीना जी, और म्यूजिक सुपर डुपर हिट गुलाम गुलाम, क्या बात है, सब के सब गाने हिट थे। उनका मुकाबला कैसे हो, और लता जी की आवाज। तो हमने हिस्ट्री बढ़नी शुरू की, मैंने और तो हिस्ट्री बता रही थी हमें कि अमराव जान ने जब वो सारा माहौल अपनाना पड़ गया उसे, देखिए मैं एक जुमले में मैंने बात कह दी, अपनाना पड़ गया, सही बात है, बट शी वॉज नॉट बॉर्न दैट, राइट। तो वो उनको सिखलवाया गया शास्त्रीय संगीत और तो उस पर कमांड, और उनको लखनऊ का नृत्य जो बहुत मशहूर है कथक डांस, वो लखनऊ वाला खास। तीसरी बात उनकी जो थी वो शायरी करने लगी खुद, और बहुत अच्छी शायरी है, और उनकी शायरी बहुत मशहूर हुई, लोगों ने पसंद की। एंड चौथी के इतनी हसीन कोई अवध में नहीं थी, उनके दीदार, उनके उनका मुजरा, उनका गायन सुनने के लिए बड़े बड़े नवाबीन, राजा महाराजा, तो वो सुनने आते उनको, और उनकी एक झलक पाती। अब ये हमें बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया कि अब वो इतनी सिफात की मलिका, वो जब गाना गाएगी तो कैसा गाएगी, क्या कहने, तो वो जो आवाज कैसी होनी चाहिए, उनका आलाप कैसे होना चाहिए, उनकी शायरी कैसे होनी चाहिए, और शहरयार साहब ने क्या बात, क्या लाइक, और उनकी मतलब रूह जो उमराव जान की रूह थी उसमें अपनी शायरी के जरिए उन्होंने, और आवाज वो आलाप किस तरह लेती, वो शेर को किस तरह कहती थी, किस अंदाज में कहती थी जी। तो जो सारा वो उस हिस्ट्री ने हमें बताया, एंड हमने अपनी तरफ से देखिए कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है आज तक, कोई हो अगर मुझे कोई अगर जिंदगी रही तो कोई सुनाए कि साहब ये रिकॉर्ड था, कोई ऐसा मिला नहीं हमें कि अमराव जान ने कुछ
रिकॉर्ड किया या उनका गाया हुआ ये राइट ये अंदाज में गाती थी, तो वो ये अंदाज हमने दिया आशा जी की आवाज को, मैंने वजह की क्या बात है, और उनको रिहर्सल कराई और उनको सारा बताया और ये भी बताया कि ये सब्जेक्ट उमराव जान यू ही नहीं है ये। और उस वक्त आशा जी इतना मसरूफ थी जी, दिन की तीन 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 गाने गाती थी, अरे बाप रे, दो गाने डायरेक्ट गाने एक डबिंग, तीन गाने, माय गॉड, ये इतनी बिजी थी। तो उनको पूछा आशा जी क्या आप इतनी मसरूफ हैं तो आपको रिहर्सल का टाइम कैसे होगा, हमें हम फिक्रमंद हैं इसके। कहते आप लोगों को फिक्र क्या, रिहर्सल मैंने करनी है, मैं करूँगी, क्या बात है। खैर उनको रिहर्सल करा दी गई अपने अंदाज में, हम कुछ करते रहे उनको। देन एक स्वर हमने चेंज किया उनका, अच्छा डेढ़ नोट, जिस नोट से ना वो गाने आम गाना रिकॉर्ड करती थी राइट, उससे डेढ़ सौ नीचे उतार दिया, डेढ़ सौ नीचे उतार है, अच्छा नीचे उतार, अच्छा। तो वो रिहर्सल में तो बड़ा अच्छा रिहर्सल कर ली उन्होंने, ठीक है। जब स्टूडियो में आई और स्टूडियो का वो जो रिकॉर्डिंग का एटमॉस्फेयर होता है वो, तो उससे जब गाने लगी तो वो अनईजी, शिवा जान अनईजी, तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, जगजीत जी को बुलाया, जगजीत जी जरा आइए मेरे पास आइए जरा मुझे बात करना। तो जगजीत जी कहीं तुम कहते ख्याम साहब ने ये मेरा सुर कौन सा रख दिया रिकॉर्डिंग का, ये तो बकायदा लफ्ज गए थे भलता ही सुर रख दिया सो वो जगजीत जी मेरे पास आए, कह रही आशा जी कुछ डिस्टर्ब हैं, वो सुर का उनको सूट नहीं कर रहा है, देखिए क्या वो सॉल्व कीजिए। तो मैं गया, मैं मेरे साथ जगजीत जी भी आई, तो मैंने कहा ये आशा जी बताई, कह रही ख्याम साहब मैं इस सुर से गा नहीं सकती। तू क्या बात कर, मुझसे गाया नहीं जा रहा इस सुर से, कह लेंगे आपने क्यों रखा ये सुर। मैंने कहा आशा जी आप को शायद मालूम नहीं, आप आशा जी नहीं हैं, आप उमराव जान हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिए, ख्याम साहब आपकी उमराव जान गा ही नहीं पा रही तो क्या क्या बात, बड़ी अच्छी बात। तो हम लोग अच्छे मूड में भी आ गए, लेकिन मैंने कहा देखिए आशा जी ऐसा करते हैं कि ये जो सुर है अब पूरी रिहर्सल हो चुकी है, आपने रिहर्सल कर ली म्यूजिशियन के साथ और रिकॉर्डिस्ट के साथ, रिकॉर्डिंग रूम में पूरा वो सब कर लिया गया है, तो आप एक टेक इसका दे दीजिए और दूसरा हम ये टेक हो जाएगा okay. तो आपके सुर वाला जो है जो ना, कंफर्टेबल वो, वो, वो हम आपको इमीडिएटली देते। कहते आपके पास स्टूडियो है, मैंने कहा है okay. और आपके पास म्यूजिशियन है, मैंने कहा है मुझे। कहते कैसे, मैंने कहा मुझे मालूम था ये होने वाला है तो कैसा? ऐसा हो सकता है क्या बात है? तो मैंने पूरा दिन के लिए म्यूजिशियन बुक किए हुए थे, उनको पेमेंट डबल है। उन्होंने बड़ा देखिए अजीब इमोशनल बात, ख्याम साहब आप कसम खाइए प्रदीप की, अच्छा मेरा बेटा जी ये प्रदीप जी, इसकी कसम खाइए कि आप मेरा सुर मेरा सुरसा ये भी रिकॉर्ड मैं करती हूँ और वो उस सुर से आप रिकॉर्ड जरूर करेंगे, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल कसम खाता हूँ, मैंने कहा आप भी कसम खाइए, अच्छा। तो उन्होंने कसम को मैंने दी, मैंने कहा आप सरस्वती माँ की कसम खाइए कि आप दोनों को पूरी तरह निभाएंगे, बिल्कुल आप जो ये है सुर नीचे वाला इसको भी उसी तरह गाएंगी जैसा 1000%, बिल्कुल ठीक है जी, और उसको भी ठीक है साहब। तो वो आशा जी बड़ा अच्छा जब प्लेज लेती है वो,
वो ये अंदाज है उनका, ठीक है लेती है कर ठीक डन। तो जी वो हमारे नीचे सुर वाला रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है हो गया रिकॉर्ड, ठीक है। और उनका कई वो गैप था अभी, क्योंकि म्यूजिशियनों को कोई आधा पौना घंटा लगना था, नोटेशन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है हाँ। जब स्वर चेंज होता है ना तो उसका तो। एंड ये अब गाना चला, अब देखिए इसका स्क्रीन पर देखिए, अब साज शुरू हुए, इंट्रो इंट्रो म्यूजिक, ठीक है म्यूजिक शुरू हुआ, और वो एक एटमॉस्फेयर बद गया, वो सरंगियां तार पूरे स्वरमंडल, और क्या अल्लाह ने ईश्वर ने वाहेगुरु जी ने वो मेरा म्यूजिक शुरू ही होता है, कुछ एक ऐसा माहौल बन जाता है कि दूसरे सबका दिल पकड़ लेता, वाह शुरू से, ठीक है। खैर वो म्यूजिक शुरू हुआ, उसके बाद आशा जी का आलाप शुरू हुआ, ठीक है, और उस अंदाज से वो आलाप कर रहे, वो जो हमने सिखाया था उनको अट्रैक्ट, उन्होंने वैसा ही गाया, ठीक। तो आलाप शुरू हुआ तो आशा जी की आंखें बंद हो गई, शी वॉज इन ट्रांस। गाना 5.5 मिनट का है, गाना चला, आशा जी की आंखें बंद हैं, और स्टूडियो में एक टेंशन है कि आशा जी हाँ कहती हैं कि नहीं कहती हैं, या छोड़ के चली जाएंगी, यानी ये था। तो खैर आशा जी की आंखें बंद हैं, 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गया, और सब टेंशन में है कि क्या कहेंगी अब आशा जी। उतने दरवाजे में स्टूडियो का जहाँ रिकॉर्डिंग मशीन होती है तो वो खुला, तो आशा जी ट्रांस से निकली, तो पहले ही उनका शब्द था, कहते ये मैं गा रही थी क्या, मैंने तो ऐसा गाना कभी नहीं गाया, माशाल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा गाना नहीं गाया, और ना ही मैंने अपनी आवाज सुनी, आपने क्या मुझे ट्रेंड किया, क्या आवाज को किस तरह लगाना है कैसे। तो खय्याम साहब, देखिए मैं सबके सामने कहती हूँ ये किसी और का काम नहीं था, ये खय्याम साहब ने जो कर दिया, वाह क्या बात है। और खय्याम साहब आप इसी सुर से दूसरे भी गाने मेरे रखिए, और इसी अंदाज में रखिए जिसमें आपने मुझे वो किया है, और मैं गाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी, और आपको कोई चिंता नहीं है कि आई एम बिजी एंड दैट एंड दैट। तो ये उमराव जान का, यही तो उमराव जान का वो अंदाज था, और तभी तो देखिए यहाँ पीछे जो हमारे साथ में एक और जो फिल्म फेयर ट्रॉफी पड़ी हुई है ये उमराव जान के लिए मिली। लेकिन अभी हमारे सेगमेंट का वक्त आ गया, सेगमेंट जो है वो है मेरी चॉइस आज, लेकिन ये मेरी चॉइस सेगमेंट हम एक अलग अंदाज में करेंगे, वो मेरी चॉइस नहीं, वो सिर्फ खय्याम जी की चॉइस के साथ होगा। क्या होगा मैं बताता हूँ। ओके वेलकम बैक, मैंने कहा था आपको आज मेरी चॉइस सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि पूरी जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपने देखा खय्याम साहब ने कितनी बार इधर इशारा किया फिर इधर इशारा किया, हमने कितनी बार इनका नाम लिया, इनकी शरीके हयात खय्याम साहब की जगजीत कौर जी हमारे साथ में है। व्हाट अ प्लेजर, व्हाट अ प्लेजर टू हैव यू, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? ठीक हूं जी, थैंक यू। मैं कहा कि हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है मेरी चॉइस। अच्छा, तो खय्याम साहब की जो चॉइस है वो तो आप ही हो, चाहे तब हो चाहे आज हो, आपके नाम के बिना हमारा पूरा इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता, आपके नाम के बिना खय्याम साहब के गाने पूरे नहीं होते, उनकी ट्यून्स पूरी नहीं होती। सही सही नहीं, सही बात है, सही बात, सही बोला ना खय्याम साहब, कुछ ज्यादा बोल जाते हैं ऐसा है, बल्कि कम बोलता हूँ, आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है। क्या बात है, क्या बात। खय्याम साहब से हमने बहुत बातें करी, जो इतनी खूबसूरत जर्नी रही है जगजीत जी, खय्याम साहब के बर्थडे पे एक बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट किया आप दोनों ने मिलकर, एक ऐसी बात कह दी तो जितनी मेरी नॉलेज है फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कभी किसी ने ऐसी बात नहीं करी, वो क्या बात है अगर मैं आपसे सुनूं तो मुझे, हम सबको बताइए आप। देखिए मैं जो आर्टिस्ट बहुत ऊपर काम करके बहुत ऊंचा जाते हैं फिर उनका डाउनफॉल होता है जी, जब वो डाउनफॉल होता वो मैं देख नहीं सकती थी, वो बड़ी तकलीफ में होते थे जी, तो वो सोच कर ये आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों को जो जरूरतमंद हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, उनके लिए कुछ ना कुछ, हम सबको कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ये इनकी सजेशन
एकदम मैंने उसको लब्बैक कहा कि यस इनका हुक्म सराखों पर और वाकई इन्होंने वो काम कर दिखाया है कि मेरे ख्याल में शायद ही कभी ऐसा मुझे भी नहीं लगता हुआ हो ऐसा ना हो। मैं जो देख रहे हो मैं उनको एक बार बता दूं एक शॉर्ट में कि बेसिकली खयाम साहब ने जगजीत जी ने एक ट्रस्ट को कायम किया है बनाया है इस ट्रस्ट में उन्होंने अपने जिंदगी भर की जितनी भी पूंजी है वो सब की सब पूंजी वहां पे डाल दी है ताकि वो ट्रस्ट उन आर्टिस्टों के काम में आए जिनको उसकी जरूरत है जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा समय देखा लेकिन जो एक ग्राफ ऊपर जाता है तो उसको नीचे भी आना होता है तो उस वक्त में उनकी जरूरत के लिए एक ट्रस्ट अपनी जिंदगी भर की पूंजी उस ट्रस्ट में आपने साथ में ये हम लोगों ने ये भी मिलकर सोचा और जी इन्होंने ये सोचा कि आफ्टर 5 ईयर ये हमारा ट्रस्ट इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में होगा जो पैसा तो है वो रोटेट हो ये होगा तो शुरुआत है तो फिर हम लोग 5 लाख एवरी ईयर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेजा करेंगे क्या बात है देखिए जगजीत जी मैंने जब शुरुआत करी खयाम साहब के साथ इंटरव्यू की शुरुआत हुई इतने गाने इतने अवार्ड्स इतनी फिल्में सब लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं घूम फिर के वापस उसी नगमे की ओर आ जाता हूँ जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि खयाम साहब का म्यूजिक कुछ ऐसा है जो कि हमारी जिंदगी के दर्द को गमों को चूम लेता है चूस लेता है खयाम साहब का म्यूजिक हमें कहता है कि तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे क्या बात है जब जगजीत जी आप इनकी जिंदगी में आई आपने भी एक ऐसा नगमा गा दिया क्योंकि वही नगमे की जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने भी खयाम साहब को कहा कि तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो और जिंदगी के इस मोड़ पे इस पड़ाव पे इस ट्रस्ट के साथ आप दोनों सब आर्टिस्टों को ये कह रहे हैं कि तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो तो मुझे लगता है कि अगर एक तो एक गाना जो हम सबके जहन में हमेशा गूंजना चाहिए वो यही है और जगजीत जी जब आप सामने बैठी हो और इस इंटरव्यू को खत्म करने का मौका हो और वो गाना ना हो तो फिर ये तो मैं हट करूंगा मैं बच्चा हूँ आपका वो दो लाइनें हो जाए आज नहीं वो तो लेकिन उतना अच्छा से शायद ना गा सकूं ऐसे आप दिल से गाएंगी हमारे दिल तक पहुंचेगी आवाज तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो वाह 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 क्या बात है सुपर खयाम साहब बता रहे थे कि जब पहली बार आपको देखा था तो दादर का वो ब्रिज जो ईस्ट से वेस्ट को मिलाता है तब वहां देखा था वो ब्रिज पे ऐसा देखा कि खयाम साहब की जिंदगी का ईस्ट और वेस्ट मिल गया आप आपके जहन में क्या वो पहली याद है खयाम साहब की जो पहली बार कभी उनको देखा या उनको सुना वो पहली याद क्या है जब एक बार कहीं भी मुड़ के देखा जाए इसका मतलब कुछ होता है कैदी बड़ी बात कैदी खयाम साहब कैदी तो हम दोनों ने मुड़ के देखा तो शायद हो गया वाह क्या बात है मुड़ के देखने के ख्याल पे मुझे यही याद आ रहा है कि हमने खयाम साहब के इतने जबरदस्त जर्नी को आज मुड़ के देखा है जिसमें सिर्फ म्यूजिक ही नहीं जिसमें जिंदगी के कितने लेसन है सीखने के लिए हम सब यंगस्टर्स के लिए कितना कुछ सीखने को है हम यही दुआ करेंगे कि जैसे प्यार और मोहब्बत आपने दुनिया भर को बांटी है दुनिया भर की प्यार और मोहब्बत आपको मिले मिलती रहे आप दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत ऐसी बरकरार रहे और ऊपर वाला जो है आप दोनों को बहुत अच्छी सेहत से नवाजे हम आपके बच्चे हैं आपको जब लगे हम आपके किसी भी काम आ सकते हैं आपके पाँव में बैठ सकते हैं प्लीज हमें याद कीजिए एंड वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू थैंक यू सो मच आप लोग हमेशा हमेशा खुश हो खुर्रम आप सबकी दिली मुरादें पूरी हों और अपने अपने काम में आपके परिवार तो ये हमारी दिली दुआएं हैं अल्लाह से ईश्वर से वाहेगुरु क्या बात है थैंक यू सो मच आज के इस इंटरव्यू की जो आत्मा थी वो बिल्कुल ही अलग थी आई थिंक हम सबने महसूस करी है हमारे पूरे क्रू ने महसूस करी है और आई एम श्योर वो आत्मा जो है उधर आप जो बैठे
आप तक भी पहुंची होगी। बातें कहीं अनकहीं पर मैं आरजे अनमोल आपसे इजाजत लूंगा, एक बार फिर से ऐसी एक लेजेंड के साथ में होंगे और मुड़ के उनकी जिंदगी की ओर देखेंगे। खुदा हाफिज़।